हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर सर्विस गैप मॉडल व्हिच इज आल्सो नोन एज फाइव गैप मॉडल और कस्टमर गैप मॉडल। इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस अ टॉपिक व्हिच इज नोन एज सर्विस गैप मॉडल आल्सो नोन एज फाइव गैप मॉडल और कस्टमर गैप मॉडल। Now this model was introduced by Parsuraman, Zitmal and Barry back in 1985. और जब Parsuraman, Zitmal and Barry ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था तो they talked about service quality, कि किस तरीके से एक सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म एक क्वालिटी सर्विस को डिलीवर कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सर्विस क्वालिटी इज द फंक्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड कस्टमर परसेप्शन। मतलब कस्टमर उस सर्विस प्रोवाइडर से क्या एक्सपेक्ट करता है और जब वो सर्विस को कंज्यूम करेगा तो उसका जो परसेप्शन है अबाउट हिज एक्सपेक्टेशन, कि क्या उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुए या नहीं हुए। इफ ही इज परसीविंग दैट हिज एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड तो वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, बट इफ ही इज परसीविंग दैट हिज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड then he will be a dissatisfied customer. But how to achieve this customer satisfaction, understanding the customer expectation and to achieve that customer perception that he has received a delivery of a service that has satisfied his expectation. For that, the understanding, the framework understanding of this customer expectation is necessary. And this framework to understand the customer expectation to deliver a quality service is known as customer service gap model. अभी ये मॉडल पांच गैप के बारे में बात करते हैं। ये मॉडल जो है it talks about five gaps and these five gaps are knowledge gap, policy gap, delivery gap, communication gap and customer gap. So now let us discuss this one after the another. It all starts when the service firm decides to start a business and to deliver a service to a customer. जब एक नई कंपनी एक सर्विस बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वो खुद सोचती है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए रहेगा, what will be the customer expectations. But at times it is possible कि कस्टमर कुछ और सोच रहा है और मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है। दैट इज कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग एक्स वाई जेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सर्विस एंड मैनेजमेंट इज थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ ए बी सी और 1 2 3। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट व्हाट कस्टमर विल एक्सपेक्ट एंड व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्विस। दैट इज बेसिकली देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर वांट्स। Say for example a service provider like Netflix, if Netflix thinks ke customer only wants fiction, melodrama, thrillers, horrors etc, but kahin na kahin there is a customer who wants non-fiction documentaries, but at the Netflix end agar Netflix ye samajhna bhul gaya ya ye samajh nahi paya ke customer ko non-fiction documentaries bhi chahiye, then it is called as knowledge gap. Knowledge gap is the difference between understanding of management and customer expectation. To aisa kyun hua? Aisa isliye hua because of the lack of interaction between the customer and the service provider, the lack of interaction between the frontline service provider, the frontline service employee and the management. इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है? मार्केट रिसर्च करके, कस्टमर फीडबैक लेके, टाइम टू टाइम कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जान के। सो दिस वाज अबाउट द नॉलेज गैप, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर इज थिंकिंग एंड व्हाट मैनेजमेंट इज थिंकिंग, दैट इज नोन एज नॉलेज गैप। सो फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स के मैनेजमेंट ने नॉलेज गैप को तो सॉल्व कर लिया था, उन्होंने ये पता कर लिया था विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक कि कस्टमर इज आल्सो लुकिंग फॉर नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज, बट
the difference between understanding customer expectation and translating them into policy delivery standards, that is known as delivery gap. इसका मतलब क्या होता है? अभी Netflix ने ये तो जान लिया कि कस्टमर को नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज भी चाहिए, उसने डॉक्यूमेंट्री बना भी ली, बट कहीं ना कहीं जो जिस टॉपिक पे कस्टमर को डॉक्यूमेंट्री चाहिए थी उस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी. से फॉर एग्जाम्पल Netflix फोकस्ड ऑन द लोकल स्टोरीज, बट कस्टमर एक्सपेक्टेशन वॉज ऑन द वर्ल्ड इवेंट्स, मे बी World War I, World War II, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 9/11 अटैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज नोन एज डिलीवरी स्टैंडर्ड गैप्स. कि उसे समझ तो लिया था, इट अंडरस्टूड द कस्टमर्स नीड्स, बट वो उसको पॉलिसी स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया. देन द थर्ड वन इज वी टॉक्ड अबाउट नॉलेज गैप, देन वी टॉक्ड अबाउट पॉलिसी गैप, एंड थर्ड वन इज सर्विस गैप, आई मीन डिलीवरी गैप. द थर्ड वन इज डिलीवरी गैप. तो क्या होता है डिलीवरी गैप? नाउ से फॉर एग्जाम्पल Netflix ने सही से समझ लिया था कि कस्टमर को नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए ये भी समझ लिया था, उसने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना भी ली, बट एट द टाइम जब एक्चुअल डिलीवरी की बात आई तो जो स्ट्रीमिंग होता है ना वो सही से नहीं हो पाया, वीडियो क्वालिटी वॉज द पुअर, और मे बी द फैक्ट्स कलेक्शन वॉज पुअर. सो अंडरस्टैंडिंग सही थी, डिलीवरी सही थी, पॉलिसी सही थी, अंडरस्टैंडिंग सही थी, पॉलिसी सही थी, बट कहीं ना कहीं वो हाई क्वालिटी विथ हाईली बेस्ड रिसर्च, प्रॉपर फैक्ट्स, गुड एक्टिंग, ये सब के साथ वो डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी नहीं हो पाई. सो दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी गैप. ट्रांसलिंग द पॉलिसी स्टैंडर्ड्स इनटू एक्चुअल डिलीवरी, इट इज नोन एज डिलीवरी गैप. तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? टू रिजॉल्व दिस यू नीड टू हायर द प्रॉपर टीम, द प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, गिव हिम द ट्रेनिंग, गिव हिम मोटिवेशन, मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मेक हिम अंडरस्टैंड the service requirements, do the internal marketing. The fourth one, अभी तक जो तीन थे, that is knowledge gap, policy gap and delivery gap, ये तीनों internal थे which can be resolved by the firm. But जो चौथा है, that is somewhat external, that is communication gap. It is all about your advertising. आप एडवर्टाइजिंग में क्या प्रॉमिस कर रहे हो, एंड वॉट एवर यू आर प्रॉमिसिंग इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर इट, देन इट इज नोन एज कम्युनिकेशन गैप. बिकॉज वॉट एवर यू विल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ योर प्रमोशन मिक्स, कस्टमर विल बिल्ड द एक्सपेक्टेशन. मोर यू प्रॉमिस, हायर विल बी द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एंड इफ यू फेल्ड टू डिलीवर दैट एक्सपेक्टेशन देन इट इज कम्युनिकेशन गैप. द ओनली वे टू सॉल्व दिस इज communicate only what you can deliver it. And the final is customer gap. The customer gap, it is the sum of the above four gap, that is knowledge gap plus policy gap plus delivery gap plus communication gap. और ये सबको अगर हम लोग मिला देंगे तो बन जाता है टोटल कस्टमर गैप. एंड द ओनली वे टू रिजॉल्व दिस इज टू मिनिमाइज द अबव फोर गैप. जितना आप ऊपर के चार गैप को मिनिमाइज करोगे उतना ही आपका कस्टमर गैप कम होगा, जितना कस्टमर गैप कम होगा उतने आपके पास लॉयल कस्टमर्स रहेंगे. इफ यू हैव द पूल ऑफ लॉयल कस्टमर
Your company will always be in the profitability because the most important loyal customer turns into active customer who will do the word of mouth publicity, which is the ultimate goal, because word of mouth publicity is the most powerful tool of promotions which can bring you the additional customers and increase the profitability of the firm in the long run. So I hope, my students, this gap model is clear to you. In the next video, we will discuss some another topic. Till then, everyone stay home, stay safe, take care.